नमस्कार वीरवन, क्या हाल है सबके। तो यार आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। पीछे आप देख सकते हैं ये है श्री शक्ति ट्रेन जो अभी चलने वाली है 10 मिनट में 7:05 पे। और चलिए यार शुरू करते हैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा। आपको दिखाते हैं, माता रानी के दर्शन कराएंगे, पूरी ट्रिप का हम ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये आ गया मना कोच। चलो भाई सामान चढ़ाओ। लोडिंग हो चुकी है। जय माता दी एवरीवन। तो यार सुबह के कुछ अराउंड 6 बज रहे हैं तो हम फाइनली पहुंच गए कटरा स्टेशन। ठंड कुछ खास तो नहीं लगी मेरे को, मतलब जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट करी थी ज़्यादा ठंड नहीं है। और अभी हम जाएंगे अपना चेक इन करने के लिए होटल में। हमने IRCTC का ये जो गेस्ट रूम होते हैं यहाँ पे स्टेशन पे जो होता है वो बुक करा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप स्टेशन से उतरोगे, उतरते ही आपको अपना रूम मिल जाएगा, आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। और जब आपको जाना हो बस यहाँ से ऑटो वगैरह चलते हैं वो आपको बाणगंगा उतार देंगे, वहाँ से आप सिर्फ अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हो। बस व्यू देखो एक बार कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे स्टेशन से ही। यार लास्ट टाइम जब मैं आया था अराउंड 10-12 साल पहले, तब तो एक ही ट्रेन आती थी श्री शक्ति। अब तो वंदे भारत अभियान लग गए, तो मेरे को लगता है शायद स्टेशन भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया। क्योंकि मेरे को याद है जब लास्ट टाइम आए थे तो हम ट्रेन से उतरे प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे उतरते ही जो था गेस्ट हाउस था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी पीछे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से उतर के आप पूरा ऐसे घूम के आएंगे वहाँ से, और फिर यहाँ से सीधा जाएंगे अभी हम, तो सीधा जाके इन्होंने गेस्ट हाउस है अब, तो यहाँ से हम ऐसे चले जाएंगे। और ये राइट में ही जो है गेस्ट हाउस बना रखे हैं IRCTC के ऊपर, मतलब शॉपिंग वगैरह करने का भी है, खाने पीने का भी है। तो ये सब मैं खा पी के सुबह फ्रेश हो, सुबह उतार दी थी 6 बजे। अब 6 बजे आओ, 1 घंटा हम रेस्ट करेंगे, 7 बजे तक फिर हम रेडी वेडी होकर नहा धो के चढ़ाई शुरू करेंगे अपनी। तो ये आ गए गेस्ट हाउस, फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स वगैरह बना रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ एक बारी। भैया टिकट्स वगैरह का यहाँ से आप चेकआउट वगैरह कर लोगे। ये वेटिंग एरिया है पूरा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो गेस्ट हाउस आ जाते हैं। तो भाई ये फर्स्ट फ्लोर है स्टेशन का, यहाँ पे आई थिंक जाके रूम है, यहाँ पे शॉपिंग के लिए बना रखा है, यहाँ पे फूड स्टेशन बना रखा है अच्छे से। लेफ्ट में आएंगे, आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड भी यहाँ पे रिसेप्शन है चेक इन के लिए, और आगे जितने भी आप देख रहे हैं वहाँ पे सारे रूम जो है लेफ्ट राइट में। एक बार फटाफट आप चेक इन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं रूम्स कैसे हैं यहाँ पे। ये रूम्स हैं 217-216। टीवी ज्योति आ जा, हीटर भी है। तो भाई रात हो गए, हो गया रेडी, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फ्री ब्रेकफास्ट 7 बज रहे हैं। फटाफट खा पी के रेडी होते हैं, उसके बाद फिर चढ़ाई करनी शुरू करेंगे। मैं आपको यहाँ पे फूड स्टेशन दिखा देता हूँ कई बार। यहाँ पे सिटिंग एरिया, बैठ के आप खा सकते हो।
पूरा फूड सीखना है आपने। जय माता दी सबको। तो गाइज भाई रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये नई चीज़ शुरू हुई यहाँ पे, क्योंकि तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब कार्ड वगैरह तो नहीं बनते थे, नॉर्मल पर्ची कटती थी। अब पूरा नाम आप पूछते हैं, पिन कोड वगैरह पूछ के पर्ची भैया कार्ड बनता है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो कार्ड बनवा लिया है, चढ़ाई जस्ट अभी शुरू करी है। अभी जो लॉन्च वाले थे इन्होंने फ्री कैब सर्विस प्रोवाइड करा रखी है फाइनली, तो कम से कम आने का कोई खर्चा हुआ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने अभी अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है, तो आगे मिलते हैं। जय माता दी। चलो गाइस, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी। तो भाई मैकडॉनल्ड्स भी आ गया। जैसे लगते पहुंचने वाले हैं, वो शायद दर्द को आ रही है वहाँ पे ऊपर। तो भाई ये है पुराना वाला नया रास्ता, सॉरी जहाँ से हम अभी आए हैं, और ये है पुराने वाला रास्ता, इस पर भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो हम अभी वहाँ से आए हैं, अभी हमें ऊपर जाना है। जय माता दी। तो भाई चढ़ते चढ़ते हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए, 10 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था, 2 बजने वाले हैं और बस 1 किलोमीटर बाकी है। यहाँ से भवन दिख रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, तो बस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ही बचा है। भीड़ बहुत है और बर्फ़ तो पड़ी है इस बार जनवरी में, हमें लगा था शायद हमारे आने तक बर्फ़ पड़ जाएगी, लेकिन बर्फ़ इस बार पड़ी नहीं, बारिश वारिश भी नहीं हुई इस बार ज़्यादा, लोकल्स बता रहे थे आगे। तो आगे चलते हैं, फिर आपको करेंगे आएंगे भवन के दर्शन। चट्टान बिल्कुल सर के ऊपर है, जल्दी जल्दी निकले करो। ये जा रही ऊपर भैरव बाबा के लिए ट्रॉली, यहाँ नीचे से मिल जाएगी। तो हमने भी कराई ट्रॉली की टिकट, 4 बजे की है, जब बैठेंगे तो आपको दिखाते हैं, पहले एक बार माता के दर्शन कर लेते हैं। तो भाई स्काई वॉक यहाँ से एंट्री है भवन की, यहाँ से आएंगे आगे तक जाएगा, ये पूरा ट्रैवल करता हूँ सीधा भवन के अंदर लेके आएगा आपको। भाई वो स्काई वॉक बना रखा है पूरा, वहाँ से चलते आओ ये ऊपर तक का पूरा,
वहाँ से एंट्री है। तो भाई हमने कर लिया दर्शन माता रानी के। तो भाई भीड़ बहुत है क्योंकि मे बी शायद एक्सटेंडेड वीकेंड है, 26 फरवरी कह रहा हूँ, 26 जनवरी है, सैटरडे संडे भी लग गया साथ में, तो भीड़ बहुत है। तो दर्शन अच्छे हो गए यार, बहुत ज़्यादा थक गया दर्शन करके, कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर भैरव की भी चढ़ाई करनी है क्योंकि लेट हो गया। ट्रॉलियाँ तो बंद हो गई हैं क्योंकि ट्रॉली 5 बजे तक ही चलती है और हमें लग गया बहुत टाइम दर्शन करने में, तो हमेशा पैदल ही जाना पड़ेगा भैरव दर्शन करने के लिए। भाई ये भीड़ देखो, माता के दर्शन की लाइन 1 किलोमीटर से लंबी लाइन है, ये बहुत प्यार से 1 किलोमीटर से लंबी लाइन है क्योंकि बीच में मंदिर बंद हो गया था दर्शन के लिए, उसके लिए आरती के लिए, तो 1 किलोमीटर से ऊपर की लंबी लाइन लग चुकी है और अभी भी आगे तक है ये लाइन। तो भाई अब हमने शुरू कर दिया भैरव की चढ़ाई, रात हो आई अब तो, क्योंकि केबल कार्ड जो थी वो तो फेल हो गई, 4 बजे तक ही थी, इन्हीं का चॉपर लेट आया 2 घंटे, उसके चक्कर में आधे जो लोग थे वो आ नहीं पाए, हमारी केबल कार्ड मिस हो गई और उन्होंने जाने नहीं दिया। भाई हम जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियों से, 2 रास्ते ऊपर जाने का है तो चढ़ाई कर लो या सीढ़ियों से चढ़ लो। हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, फटाफट दर्शन करते हैं और फिर नीचे उतरेंगे। रास्ता बोला खाली पड़ा था लेकिन ऊपर बड़ी भीड़ है। तो भाई फाइनली पहुंच गए भैरव, पैरों भी हो गए ऐसी की तैसी, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी, 1000 थी 1500 थी, बस चढ़ के आ गए ऊपर तक कैसे भी करके। अभी शायद आगे और जाना है वहाँ पे। जय माता दी। तो भाई भैरव के दर्शन भी ले लिए हमने, कर लिए हैं पूरे, आज का गोल हो गया पूरा हमारा। अब हम उतरेंगे नीचे, टाइम पता नहीं क्या हो गया, टाइम हमें पता कोई ध्यान ही नहीं है, 7:30 हो गए हैं। अब नीचे उतरेंगे अर्धकुंवारी पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वे उतरने का रास्ता 11.5 किलोमीटर शुरू कर देते हैं। तो भाई उतरते उतरते रास्ते में दोबारे से पहले की जगह प्रसाद मिल रहा था, हलवा छोले, तो खाने के लिए रुके हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, माता रानी का प्रसाद है, तो चूनी खाएंगे हम। तो फिर चलते चलते हम हो गए 2 घंटे और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमें वहाँ पर जाना है, वो मेट्रो स्टेशन बोल रहा हूँ, वो रेलवे स्टेशन है और अमरनाथ रेलवे स्टेशन के वहाँ पे क्वार्टर करवा रखे हमने, तो मैं वहाँ जाना है अभी, और ये अभी यहाँ पे अर्धकुंवारी है, तो मतलब हम कुछ भी रास्ता नहीं उतना है अभी, लगता है भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। तो भाई अर्धकुंवारी आ गए, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह है अपना, बीकानेर वाला फूल खाने पीने का बंदोबस्त कर रखा है। तो हमारी यात्रा हो गई है पूरी, अब टाइम आ गया कार्ड रिटर्न करने का, कार्ड रिटर्न नहीं करा तो 100 रुपये का फाइन है। यहाँ पे सब अपना अपना कार्ड डिपॉजिट करा रहे हैं,
तो भाई फाइनली आ गए हम अपने होटल 15 घंटे की चढ़ाई करने के बाद। पैर का तो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यार एंड करते हैं आज का व्लॉग, फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय।